नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात बैतूल से बड़ी खबर की। दो स्कूली छात्राओं के अपहरण का प्रयास किया गया। बदमाशों ने छात्राओं को पाउडर छिड़क कर किया बेसुध। होश आने पर बाइक पर थी दोनों छात्राएं, चलती बाइक से दोनों छात्राओं ने छलांग लगा दी। छात्राओं को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश। सूचना पाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी है बैतूल से, जहां पर दो स्कूली छात्राओं के अपहरण का मामला सामने आ रहा है और बदमाशों ने पाउडर छिड़क कर छात्राओं को बेहोश कर दिया, बेसुध कर दिया और बाइक पर ले जा रहे थे। और इसी दौरान जब इन्हें होश आया तो इन्होंने बाइक से छलांग लगा दी। अब इन्हें चोट आई है छात्राओं को छोड़कर। हालांकि जो बदमाश थे वो मौके से भाग गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर जो हैं वो भी पहुंचे हैं और छात्राओं को होश मिलाकर इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। पाउडर छिड़क कर इन्हें बेहोश कर दिया गया था और बेसुध छात्राओं को ले जाया जा रहा था और जब इन्हें अचानक से होश आए तो इन्होंने बाइक से छलांग लगा दी। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। दो स्कूली छात्राओं की दिन दहाड़े किडनैप करने की कोशिश की गई। जी हाँ, देखिए ये एक गंभीर मामला है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राएं आमतौर पर पैदल ही स्कूल से आना जाना, कॉलेज से आना जाना, बस स्टैंड तक करती हैं, स्कूल तक करती हैं और जिस तरह इन छात्राओं का कहना है कि इन पर किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने पाउडर छिड़का, कुछ समय के लिए बेसुध हो गई और जब इन्हें होश आया तो एक बाइक पर इन्हें ले जाया जा रहा था। छात्राओं ने बाइक से को रोकने कहा और जब बाइक चालक ने नहीं रोका तो चलती बाइक से कूद गई और इसीलिए दोनों छात्राएं घायल भी हुई हैं। जो ये घटनाक्रम हुआ है ये बैतूल नागपुर फोर लेन पर सुहागपुर गांव के पास हुआ है। तत्काल जब छात्राओं को लोगों ने देखा तो हाईवे अथॉरिटीज की जो एम्बुलेंस होती है उसके सहायता से इन्हें प्राथमिक उपचार देकर हॉस्पिटल भेजा गया है और इन छात्राओं ने जो घटनाक्रम बताया है उस शिकायत पर बैतूल बाजार थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास ये भी देखा जा रहा है कि कोई किसी जगह कोई सीसीटीवी से कोई फुटेज मिल जाए, सब तरह के प्रयास पुलिस कर रही है और ये गंभीर मामला है क्योंकि स्कूली छात्राओं से जुड़ी हुई ये वारदात है। जी बिल्कुल ऋषु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है क्योंकि स्कूली छात्राओं से जुड़ा ही पूरा घटनाक्रम सामने आया है और चौंकाने वाली बात है कि बैतूल बहुत ही छोटा एरिया है और यहाँ पर अगर दिनदहाड़े इस तरीके से बदमाश वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, छात्राओं को अपहरण करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि बदमाशों में खौफ रहे और इस तरीके की घटनाएँ ना हों। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक और कार्टून जारी किया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर गुंडा राज का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने कार्टून में लिखा, भूपेश बघेल गुंडे बदमाशों की फसल लगा के उसे काटना भूल गए थे। विष्णु सरकार कांग्रेसी गुंडों के फसल को काटने का काम कर रही है। कार्टून में लिखा, विष्णु का राज मतलब कानून का राज। तो देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर वार किया है। कांग्रेस पर ये पोस्टर वार किया गया है और अब देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में बीजेपी कुछ अलग तरीके से कांग्रेस पर हमलावर होती है। पोस्टर वार के जरिए तंज कसा जाता है और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक और कार्टून जारी किया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर गुंडा राज का आरोप लगाया गया है और बीजेपी ने कार्टून में लिखा है कि भूपेश बघेल गुंडे बदमाशों की फसल लगा के उसे काटना भूल गए थे। विष्णु सरकार कांग्रेसी गुंडों के फसल को काटने का काम कर रही है। कार्टून में यह भी लिखा कि विष्णु का राज मतलब कानून का राज। और रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर वार किया है। यहाँ लिखा है कि भूपेश बघेल गुंडे बदमाशों की फसल लगाकर काटना भूल गए थे। ये बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का जो पोस्टर वार चल रहा था कार्टून के माध्यम से एक दूसरे पार्टी पर, एक दूसरे दल पर लगातार निशाना साधते रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा हमला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा है, बोला है। ये उन्होंने अपने पोस्टर पर ये साफ तौर पर लिख दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम का जिक्र भी किया है कि गुंडों की फसल तो लगाए हैं पर उसे काटना भूल गए। अब जो
विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो उन गुंडे के जो फसल लगे हुए हैं उसे काटने का काम कर रही है, और विष्णुदेव सरकार की सरकार मतलब गुंडा कानून की सरकार, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्टर पर लिखा है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पोस्टर के बहाने जो सत्ता पक्ष के हैं बीजेपी, वो विपक्ष पर हमला बोल रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के दोनों पक्ष हैं वो सवाल खड़े करते रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी करके राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किया था, तो आज बीजेपी ने हमला बोलते हुए उसका जवाब भी दे दिया है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। और इस तरीके से अब जो सियासत है वो भी इस पर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर बार किया गया, सीधे तौर पर कांग्रेस को हमला किया गया है, अब कांग्रेस भी अपनी तरफ से जवाब दे रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों के बीच एक महीने से विवाद चल रहा था और विवाद के बाद प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के कुंदरू पारा चांटी डीह की ये घटना बताई गई है। खबर बिलासपुर से, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और दोनों के बीच एक महीने से विवाद चल रहा था। विवाद के बाद प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया गया। और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, प्रेमिका से विवाद था और उसके बाद हत्या कर दी गई है, पूरा मामला बताइए। देखिए, एक प्रेमी है सागर साहू और उसकी प्रेमिका प्रियंका देवांगन, पिछले लंबे समय से ये एक दूसरे को पसंद करते थे और बताया जा रहा है कि एक महीने से इनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। लिहाजा कल जो आरोपी है सागर साहू, वो युवती से मिलने पहुंचा था उसके घर, और इस बीच उन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान जो प्रेमी है उसने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी सागर साहू को गिरफ्तार कर लिया और अन्य जो परिजन है उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद से परिजनों में रोष है और काफी गमगीन जो है वो घर का पूरा माहौल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे अलग अलग एंगलों से और भी जांच कर रही है, क्या कुछ विवाद के कारण थे, क्यों इस तरह की घटना को प्रेमी ने अंजाम दिया है, इस पर पूछताछ जारी है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद था फिलहाल ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन विवाद के बाद प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया सनकी प्रेमी ने। और जानकारी ये भी है कि पहले भी इस तरीके से लगातार विवाद इसके होते रहते थे। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। नरसिंहपुर के थाना प्रभारी